गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था जो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके माता पिता ने उसे बचपन से सिखाया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। रामू अपने छोटे से घर में रहता था और गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन की बात है, रामू गांव के जमींदार के खेत में काम कर रहा था। वह बहुत मेहनत और लगन से काम करता था जिससे जमींदार भी खुश थे। उसी दिन खेत में काम करते समय रामू को एक चमकती हुई थैली मिली। उसने थैली उठाई और जब उसे खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू ने सोचा, यह सोने के सिक्के तो मेरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर मैं इन सिक्कों को अपने पास रख लूं, तो मैं और मेरा परिवार हमेशा के लिए गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन फिर उसने अपने दिल की सुनी। उसके माता पिता की सिखाई हुई ईमानदारी की बात उसे याद आई। रामू ने तुरंत थैली बंद की और जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में कई विचार आए। क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर कोई और होता तो क्या वह ये सिक्के लौटा देता? लेकिन रामू की ईमानदारी ने उसे सही मार्ग पर बनाए रखा। जब वह जमींदार के पास पहुंचा और कहा, मालिक, यह थैली मुझे आपके खेत में मिली, इसमें सोने के सिक्के हैं, शायद यह आपकी है। जमींदार रामू की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने थैली देखी और महसूस किया कि वह सच में उनकी ही थी जो कई दिनों से गुम थी। जमींदार ने रामू से कहा, रामू, तुम बहुत ईमानदार हो। कोई और होता तो शायद यह थैली लौटा नहीं पाता। तुमने मेरी संपत्ति बचाई है। जमींदार रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू को इनाम में कुछ सोने के सिक्के दिए और उसे अपनी जमीन पर स्थायी नौकरी भी दे दी। रामू अब हर दिन जमींदार के यहाँ काम करता और उसे अच्छा वेतन मिलता था। उसकी गरीबी धीरे धीरे कम हो गई और उसके परिवार का जीवन बेहतर हो गया। गांव के सभी लोग रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। वे बच्चों को रामू का उदाहरण देते हुए कहते, देखो ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। रामू ने सही काम किया और भगवान ने उसे उसका इनाम दिया।